हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक्स इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज द चिलेटिंग लिगेंड एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड्स. ठीक है, तो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द चिलेटिंग लिगेंड एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड होते क्या है. फर्स्टली चिलेटिंग लिगेंड है रिलेटेड चिलेशन से. ठीक है, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड था जहाँ पे क्या है चिलो से रिलेट किया गया था, दैट इज चिलोज. चिलोज क्या होता है, केकड़े टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कुछ आप देखते हो ना केकड़े टाइप का, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि वो ग्रिप में रखता है हर एक चीज़ को. ठीक है, तो वहाँ से इसका नाम क्या पड़ा था, चिलेशन. और उसी से क्या बना था आपके पास, चिलेटिंग लिगेंड. वो क्या होता है, आप देखिए चिलेटिंग लिगेंड, बेसिकली चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड है जहाँ पर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं. यूनिडेंटेट नहीं होता, पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो लिगेंड्स होते हैं. ठीक है, अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म अ रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर. जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं, एक रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द चिलेटिंग लिगेंड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इथाइलिन डायामीन, ये है ई एन होल्ड वाइज, कौन सा लिगेंड है ये, दैट इज बाइडेंटेट लिगेंड. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस तरीके से सी एच टू एन एच टू, ऊपर क्या होते हैं लॉन पेयर एंड सी एच टू एन एच टू, ये होते हैं. सपोज ये सेंट्रल मेटल एटम है, यही होता है सेंट्रल मेटल एटम. आयन को ये क्या करता है, अपने लॉन पेयर डोनेट करता है, इसने यहाँ से डोनेट करे और ये सपोज मैंने यहाँ डाल दिए और इसने यहाँ से डोनेट करे, कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, समझ रहे हो. तो ये केकड़े टाइप का स्ट्रक्चर कहलाता है, इस वहीं से इसका नाम क्या पड़ा था, चिलेशन. तो यहाँ पर साइक्लिक रिंग बन गई, देखो कैसे बन रही है. अगर आप देखें ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, इसमें ये बॉन्ड है, तो कितनी मेंबर रिंग बन रही है बताओ ज़रा, चार कहाँ से बन रही है. अरे भाई कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दिस वन, एक दो तीन चार और एक पाँच, फाइव मेंबर रिंग बन रही है ना, तो डैट इज कॉल्ड द रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इस ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, डैट इज कॉल्ड द चिलेटिंग लिगेंड. हमेशा ध्यान रखना, इस चिलेटिंग लिगेंड में पाँच से कम वाले, जैसे तीन वाले आ जाते हैं, चार वाले आ जाते हैं, दो वाले तो क्या है रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते नहीं. तीन में क्या बनता है, कुछ इस तरीके से, और चार में क्या बनता है, कुछ इस तरीके से. ये कभी भी चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म नहीं करेंगे. उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं. तो लॉन पेयर में जब पास पास होंगे तो वो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन. रिपल्शन होएगी तो वो दूर दूर भागेंगे, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों, स्टेबल कौन से कंपाउंड होते हैं, जो मेटल के साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इन केसेस में ये क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब पास पास होंगे, अगर एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा देखा गया है कि इनके बीच में क्या हो जाते हैं, रिपल्शन होती है और ये दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते. ठीक है, तो बेसिकली जो पाँच या छः मेंबर वाले होते हैं वो क्या करते हैं आपके पास, चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म करते हैं. ठीक है, पाँच या छः मेंबर्स वाले. क्लियर है, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करते हैं, कोई रिंग बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उन लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड द चिलेटिंग लिगेंड. सेंट्रल मेटल एटम कुछ भी हो सकता है. आर यू समझ, क्लियर है. नेक्स्ट, एम्बिडेंटेट लिगेंड. एम्बिडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है, बेसिकली आपको अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये क्या है आपके पास, नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है. यहाँ से ये अपने क्या दे रहा है, लॉन पेयर, यहाँ से ये अपने लॉन पेयर दे रहा है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड क्यों है ये. यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर भी हो सेम एटम है, ठीक है, सेम एटम क्या कर रहा है तो दो एटम बट सेम एटम है. ये क्या कर रहे हैं, अपने लॉन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं. ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं. बट एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, बेसिकली अ मोनोडेंटेड लिगेंड विच कैन फॉर्म द बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड, कि जो कि सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा लेकिन उसकी साइड्स क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने ले लिया CN और यहाँ से इसका उल्टा कर दो, क्या ले लिया, NC. तो जब ये किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा, अगर ये नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाम क्या होगा, डैट इज द बना रहा है. अगर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, ये किससे बना रहा है, कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, मतलब तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डैट इज साइनेटो.
या आइसोसाइनाइड जिसको बोल देते हैं आप, आइसोसाइनाइडो लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो, साइनिडो, साइनेटो लिख दो या साइनिडो लिख दो, क्लियर है, आ रही बात समझ। तो मतलब यहाँ पर क्या है, आप देखो कि अगर ये मेटल एटम है तो सिर्फ एक ही एटम क्या कर रही है, डोनेट कर रही है अपने लोन पेयर। यहाँ पर क्या थी, दो एटम्स कर रही थी, यहाँ से भी कर रही थी और यहाँ से भी कर रही थी। जब एक ही एटम अपने लोन पेयर डोनेट करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड। तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द एम्बीडेंटेड लिगेंड। बट द डिफरेंस इज दैट बिटवीन द यूनिडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड इज दैट कि यहाँ पर जो अटैचमेंट होती है एक ही लिगेंड की क्या हो सकती है, डिफरेंट साइड से हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इसकी NO2 की, और ये भी क्या है एक तरीके का NO2 है, NO2। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर यहाँ पर कोई मेटल एटम है सपोज, ठीक है, ये लिगेंड है, ये इसको अपने क्या देगा, लॉन पेयर देगा। तो अगर ये नाइट्रोजन दे रहा है, अगर क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो या तो इसका नाम नाइट्रो लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो, नाइट्रीटो, किससे लिंकेज हो रही है, एन से, तो क्या डाल दो, एन। अगर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम को कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है अपने लोन पेयर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो। अरे बस समझ, सेम लिगेंड है बट साइट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर दे रहा है और यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये सिर्फ डेफिनेशंस आती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन विद वन एग्जांपल। क्लियर है, क्लियर है, कर लोगे। अब देखो जैसे अगर ये एक लिंकेज मैं बताऊँ HCl, अगर ये सिंपल मेटल एटम है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, अगर ये नाइट्रोजन से लिंकेज करा रहा है तो इसका नाम क्या डालोगे, अगर नाइट्रोजन से करा रहा है, नाम याद रखना आइसो थायो साइनेटो, और अगर ये किससे करा रहा है, सल्फर से बेसिकली, तब क्या डालोगे, थायो साइनेटो, साइनेटो, थायो साइनेटो है एक ही चीज, HCN है, NCS है, यहां पर नाइट्रोजन से लिंकेज हो रही है और यहां पर सल्फर से लिंकेज हो रही है, ठीक है। तो नाम भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड द एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर है कि चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डैट इज अ होमोलेक्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।